नमस्कार दोस्तों, BSET की क्लासेस में आपका स्वागत है। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है दोस्तों कि हमारा जो चैप्टर है आर्टिकल, उसका पूरा रिवीजन हो जाए। तो हर क्वेश्चन को इस तरीके से लिया गया है कि वो एक रूल से रिलेटेड है, और जब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो उस तरीके का इंपॉर्टेंट रूल जो हमें याद आ जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन दोस्तों इसमें हैं, 15-16 क्वेश्चन, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और SSC के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है और आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जो हमारी अप्रोच होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो कुछ इस तरीके से होगी कि हम पार्ट ए में देखेंगे, फिर पार्ट बी में देखेंगे। इस तरीके से पार्ट बाई पार्ट हम चेक करते हुए आगे चलेंगे कि कहाँ पर ग्रामर की रूल है, ठीक है, सॉरी ग्रामर की मिस्टेक है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि किस पार्ट में ग्रामर की मिस्टेक है। अगर आपको कोई एरर नहीं मिलती तो ऑप्शन ई पर जाएंगे, नो एरर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आई डोंट लाइक, पार्ट ए में दिया है आई डोंट लाइक, और पार्ट बी में है दोस्तों दैट टाइप ऑफ मैन, पार्ट बी में है दैट टाइप ऑफ मैन। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं टाइप ऑफ के बाद एक आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है जिसका है ए, ठीक है, ए आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा जो ग्रामर का रूल है वो ये कहता है कि टाइप ऑफ और काइंड ऑफ, टाइप ऑफ और काइंड ऑफ के बाद किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो ये रूल आप याद कर लीजिए अगर आपको नहीं मालूम था कि टाइप ऑफ और काइंड ऑफ के बाद किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो क्योंकि इन्होंने आर्टिकल का प्रयोग किया है, इसलिए पार्ट बी में एरर है जिसे हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। और उसके आगे सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा दोस्तों, जो सही सेंटेंस होगा उसमें ए को हटा देंगे और सही सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ मैन हु डज़ नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट्स इन अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ए नहीं आएगा ऑप्शन बी में। और अब चलते हैं आगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि टाइप ऑफ और काइंड ऑफ के बाद किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और हमारी अप्रोच वही रहेगी दोस्तों, पार्ट बाय पार्ट को हम चेक करते हुए चलेंगे और पूरा सेंटेंस 2 या 3 बार पढ़ेंगे जब तक हमें एरर फाइंड नहीं हो जाती। ठीक है, तो देयर वर अ नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स इन द पार्टी बट इट वॉज रागनी हु रिमेंड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, हु रिमेंड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो दोस्तों, क्योंकि ये आर्टिकल की वीडियो है तो आप आर्टिकल पर ज़्यादा फोकस रखेंगे ताकि आपको जो है देखते हुए चलें आर्टिकल कहाँ पर है और कहाँ पर गलती हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप देखते हैं पार्ट डी में आ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, दोस्तों इसे तो आपको बोलने में भी अजीब लग रहा होगा क्योंकि आपने अभी तक जितने भी मतलब बोला है स्पीकिंग में द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, द THE द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बोला है। ठीक है, और वो ही सही है। यहाँ पर पार्ट ए में ए नहीं आएगा, पार्ट डी में ए नहीं आएगा, यहाँ पर ए की जगह द होगा क्योंकि द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। द क्यों होगा दोस्तों? किसी भी चीज़ को विशेष महत्व देने के लिए, उसे डेफिनेट बनाने के लिए हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और सेंटर जो है किसी भी चीज़ का दोस्तों, वो मतलब केंद्र बनना किसी भी पार्टी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो तो एक ही होगा ना, तो वहाँ पर द का प्रयोग होगा। आ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की जगह द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी में एरर है दोस्तों, जिसे हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सही है। और अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना। तो दुर्भाग्यवश दोस्तों, उसने वो दोस्तों को और मित्रों को खो दिया जो उसने बनाए थे पटना में रहने के यानी स्टे करने के दौरान। ये इसका जो है हिंदी अर्थ निकलता है। और अब हम देखेंगे ही इज पार्ट बाई पार्ट को चेक करते हुए चलेंगे, ही इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज़। अब दोस्तों, जहाँ पर हम देखते हैं पार्ट सी में फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू फ्रेंड्स का दोस्तों अर्थ होता है फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, ये 3 चीज़ें होती हैं दोस्तों, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। ठीक है, तो आ फ्यू का अर्थ होता है दोस्तों थोड़ा, और द फ्यू का अर्थ होता है कि जितना है पर्याप्त मात्रा में, और फ्यू का अर्थ होता है बिल्कुल भी नहीं। अगर फ्यू के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगा है तो इसका अर्थ है बिल्कुल कुछ भी नहीं, नाम मात्र का भी नहीं, नगण्य समझ लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस का डिमांड ये है कि
उसने उन दोस्तों को खो दिया जो थोड़े बहुत दोस्त उसने बनाए थे, मतलब जितने भी उसने दोस्त जो बनाए थे वो उसने उन सबको खो दिया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों द फ्यू का अर्थ आएगा, द फ्यू सही होगा, यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों फ्यू फ्रेंड्स का अर्थ होता है नो फ्रेंड्स, फ्यू का अर्थ होता है जहाँ पर भी फ्यू आएगा, सिंपल फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, केवल फ्यू की बात कर रहा हूँ, तो जहाँ पर भी फ्यू आएगा उसका अर्थ होगा बिल्कुल नगण्य, ना के बराबर। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ना के बराबर दोस्त हों, ठीक है, तो फिर उसने खोया किसे है, आप खुद समझिए। तो यहाँ पर द फ्यू होगा कि वो सारे दोस्त जितने भी उसने दोस्त बनाए थे, जो भी उसके दोस्त थे, उन सबको खो दिया जो उसने दोस्त बनाए थे पटना में रहने के दौरान। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, और ये जो लेवल है ये आपके एसएससी एमटीएस का ही लेवल है, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन लिए गए हैं इसमें और ना ही बहुत ज़्यादा इजी लिए गए, और विशेष बात इस बात की रखी गई कि आपको वो सारे रूल्स ध्यान आ जाएँ। तो ऑप्शन सी में दोस्तों एरर है, यहाँ पर द फ्यू फ्रेंड्स होगा। और अब चलते हैं आगे, और दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर, व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर ऑल द पीपल स्टार्टेड क्राइंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। ठीक है, तो जब जो है घर जलने लगा तो जो है जो लोग थे वो चिल्लाने लगे अपनी पूरी जोर और पूरी ताकत के साथ, ठीक है, टॉप ऑफ देयर वॉइस। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे पार्ट ए में कोई भी एरर नहीं हो सकती, व्हेन द हाउस वाज, कुछ ऐसा है ही नहीं कि एरर यहाँ पर आप फाइंड करें। और पार्ट बी में जैसे ही आप आते हैं सेट ऑन द फायर देखते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें कि सेट ऑन द फायर नहीं होता है, सेट ऑन फायर होता है, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, तो यहाँ पर दोस्तों द का प्रयोग नहीं होगा। सेट ऑन फायर क्या चीज़ होती है दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इंग्लिश में या फिर कहें हमारे हिंदी में, वो मुहावरात्मक होती है यानी इडियोमेटिक होती है, ठीक है, तो उसे उसमें जो है बिल्कुल जैसा यूज़ करते आ रहे हैं भाषा में वैसा ही यूज़ किया जाता है। सेट ऑन फायर जो है एक मतलब समझ लीजिए कि एक जो है ग्रामर का या फिर कहें भाषा का एक रूल है कि सेट ऑन फायर ही प्रयोग होता है, और यही मुहावरात्मक है या इडियोमेटिक है, तो सेट ऑन फायर ही यूज़ होता है, इसमें कहीं पर भी सेट ऑन द फायर नहीं लगाते। जैसे हम कहते हैं कि मैं वहाँ गया, किससे गए, बाय बस, बाय द बस नहीं कहते ना, बाय ट्रेन गए, बाय द ट्रेन नहीं कहते, उसी तरीके से सेट ऑन फायर होता है, सेट ऑन द फायर नहीं होता, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, सेट ऑन फायर होता है, सेट ऑन द फायर नहीं होता, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग कहते हैं कि मैंने ट्रैवलिंग की बाय बस, जबकि ये नहीं कहते वाई द बस, वाई द ट्रेन, तो यहाँ पर भी हम जो दा का प्रयोग नहीं करते हैं उसी तरीके से सेट ऑन फायर में भी दा का प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ पर सिर्फ सेट ऑन फायर होगा, पार्ट बी में एरर है। और अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है दोस्तों, इट वाज बाय अ मिस्टेक दैट ही कैच्ड हर हैंड। तो दोस्तों यहाँ पर पहला पार्ट में देखते हैं, पहले पार्ट में इट वाज मिलता है और दूसरे पार्ट में हमें मिलता है बाई आ मिस्टेक। दोस्तों यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि बाई मिस्टेक होता है, ठीक है, तो इसे हम लोग अपनी भाषा में भी प्रयोग करते हैं कि बाई मिस्टेक ये हो गया, बाई मिस्टेक वो गलती हो गई, बाई मिस्टेक मुझसे ये काम हो गया, ये नहीं कहते वाई आ मिस्टेक या वाई द मिस्टेक, आप खुद समझ रहे होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं होगा, बाई मिस्टेक जो है ये एक इडियोमेटिक है, एक मुहावरे के तौर पर है दोस्तों इंग्लिश भाषा में, और यहाँ पर आ का प्रयोग नहीं होगा, कोई भी जो है आर्टिकल नहीं लगेगा। बाई मिस्टेक जैसे कि मैंने आपको बताया था बाई ट्रेन बाई कार, उसी तरीके से दोस्तों ये भी है बाई मिस्टेक, ना कि बाई आ मिस्टेक, तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, इसे में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती। तो ऑप्शन पार्ट बी में एरर है, बाई मिस्टेक होगा, बाई आ मिस्टेक नहीं होगा। और अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है, आई इंस्पायर्ड हिम, आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हार्ट इन ऑल डिजर्व सिचुएशंस, और सॉरी इन ऑल एडवर्स सिचुएशन, एडवर्स का अर्थ होता है दोस्तों कठिनाईपूर्ण या फिर विपरीत कहें, सारी विपरीत परिस्थितियों में, ठीक है, तो एडवर्स का अर्थ होता है विपरीत सिचुएशंस, एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड अ रियल हीरो। तो देखते हैं पहले पार्ट में, पहला पार्ट है आई इंस्पायर्ड हिम, कोई भी एरर नहीं है दोस्तों, और चलते हैं फिर अगले पार्ट में, टू टेक द हार्ट,
तो दोस्तों यहाँ पर भी ये आ रहा है टू टेक द हार्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि टेक द हार्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती इंग्लिश भाषा में, टू टेक हार्ट होता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हम लोग बोलते हैं टू टेक केयर, ठीक है। तो ये कुछ इडियामेटिक चीज़ें हैं कि टू टेक केयर, टू टेक हार्ट। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी द का प्रयोग नहीं होगा, पार्ट बी में एरर है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करते रहिएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। यहाँ पर भी दोस्तों टू टेक हार्ट होगा, ना कि टू टेक द हार्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है। इन माई ओपिनियन इट इज़ नॉट द फेलियर्स दैट हैव मेड हिम लूज द हार्ट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी पार्ट सी में आप देख रहे होंगे लूज द हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ये भी एक इडियोमेटिक है, जैसे दोस्तों द टेक, टू टेक केयर होता है, टू टेक हार्ट होता है, तो लूज हार्ट होता है ना कि लूज द हार्ट। तो पार्ट सी में एरर है दोस्तों। पार्ट सी में एरर क्या है कि टू लूज द हार्ट नहीं होगा, यहाँ पर से द को हटाया जाएगा और सिर्फ लूज हर्ट होगा। लूज हर्ट का ही सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, ये भाषा में प्रचलित है इंग्लिश भाषा में टू लूज हर्ट। तो ऑप्शन सी में एरर है दोस्तों, जिसे हमने फाइंड कर लिया है। और अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द बॉटल एंड सी गेव इट टू द बेबी व्हेन इट स्टार्टेड बीपिंग, जिसने रोना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों देखते हैं पहले पार्ट में। अब इतना सेंटेंस को कम से कम अगर आप एक बार नहीं पढ़ें तो कम से कम दो बार पढ़ें, जब तक आपको सेंटेंस समझ में ना आए कि क्या कह रहा है और किस सिचुएशन में बात हो रही है, उसके बाद आप एरर ढूंढना फाइंड करें। तो पहला पार्ट में देखते हैं, देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द बॉटल, मतलब दोस्तों उसने जो है बच्चे को दूध पिला दिया जितना भी बॉटल में था। तो यहाँ पर साइंस दोस्तों ये कह रहा है कि जितना भी दूध बॉटल में था उसने वो सारा दूध जो है बच्चे को पिला दिया, दे दिया, जब बच्चे ने रोना शुरू किया था, स्टार्टेड बीपिंग। तो अब यहाँ पर दोस्तों तीन कंडीशन है हमारे आगे, देयर वॉज लिटिल मिल्क। अब यहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि देयर वॉज लिटिल मिल्क ही हो, या फिर आ लिटिल मिल्क हो, या फिर द लिटिल मिल्क हो, ठीक है। तो अब आपको ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग बताना है कि यहाँ पर जैसा सेंटेंस है वैसा ही रहेगा, नो एरर आएगी, या फिर आ लिटिल मिल्क रहेगा, या फिर द लिटिल मिल्क रहेगा। तो दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल ना लगाएं, लिटिल मिल्क ही रखा है जैसा ये है, ठीक है, तो उसका अर्थ दोस्तों ये हो जाएगा कि दूध नाम मात्र का भी नहीं था, नगण्य था बिल्कुल। तो जब दूध नगण्य था तो बच्चे को क्या पिलाया, तो यहाँ पर लिटिल के आगे कुछ ना कुछ तो लगेगा, या तो फिर आ लिटिल लगेगा या फिर द लिटिल लगेगा, ठीक है। तो सिर्फ ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, इतनी बात यहाँ से क्लियर हो गई। और उसके बाद आता है दोस्तों आ लिटिल या फिर द लिटिल। अब आ लिटिल का अर्थ होता है दोस्तों बहुत थोड़ा या बहुत कम, और द लिटिल का अर्थ भी कम के सेंस में होता है, लेकिन जितना होता है वो संपूर्ण रूप से होता है, जितना भी है वो संपूर्ण रूप से, ठीक है, वो खुद में पूरा है, द लिटिल। तो दोस्तों यहाँ पर द लिटिल का प्रयोग होगा, देयर वॉज द लिटिल मिल्क इन द बॉटल एंड सी गेव इट टू द टू द बेबी व्हेन इट स्टार्टेड बीपिंग। तो जो जितना भी दूध था बॉटल के अंदर, तो उसने वो बच्चे को दे दिया, पिला दिया, जब बच्चे ने रोना शुरू किया। तो द लिटिल का यहाँ पर प्रयोग होगा। ये आपको अपने दिमाग से वहाँ पर सेंस लगाना है दोस्तों कि आ लिटिल आएगा, द लिटिल आएगा, या फिर लिटिल आएगा। तो ये आपको वहाँ एग्ज़ाम में अपना देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि लिटिल मिल्क, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, द फ्यू और आ फ्यू का अर्थ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप जो हैं एक बार फिर से बुक में देख लीजिए, या फिर जहां आपके नोट्स पर लिखा हो वहां देख लीजिए। और मैंने जितना हो सकता है तो क्लियर कर दिया है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अब चलते हैं आगे। हिज फादर फॉरवेड, फॉरवेड का दोस्तों अर्थ होता है मना करना, ये निगेटिव के सेंस में होता है ना। हिज फादर फॉरवेड हिम टू गो टू सिनेमा लेट एट नाइट, ठीक है। हिज फादर फॉरवेड हिम टू गो टू सिनेमा लेट एट नाइट। तो देखिए दोस्तों अब इतना हमने पढ़ा है इसको दो बार, और अब हम जो हैं एरर देखेंगे पार्ट ए में। पार्ट ए में हिज फादर है तो कोई एरर का कोई सवाल नहीं, और पार्ट बी में आते हैं तो फॉरवेड हिम टू गो, यहाँ पर भी पूरा सेंटेंस नहीं हो रहा है, और कुछ ऐसा नहीं कि इसमें आप एरर ढूंढ पाएंगे।
टू सिनेमा में देखते हैं। जैसे ही दोस्तों टू और सिनेमा को इन्होंने एक पार्ट में रखा हुआ है। दोस्तों सिनेमा जो है ना, ये एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा अपने साथ दा लेता है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी टू सिनेमा नहीं होता दोस्तों, हमेशा टू द सिनेमा होता है। टू द सिनेमा, टू द सर्कस, टू द थिएटर, ठीक है? तो आप मेरे साथ बोलिए, टू द सिनेमा, टू द सर्कस, टू द थिएटर। ये तीन चीज़ें होती हैं दोस्तों, जैसे सिनेमा थिएटर और सर्कस, ये हमेशा अपने से पहले दा लेती हैं। टू द सिनेमा, टू द सर्कस, टू द थिएटर। तो ऑप्शन सी में दोस्तों एरर है, जिसे हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। सिनेमा से पहले हमेशा दा लगता है, हमें मालूम है ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग। और अब चलते हैं आगे। ही वॉज एन एथीस्ट बट नाउ अ डेज ही गोज टू द चर्च एंड ऑफर्स प्रेयर्स फॉर आवर्स। तो दोस्तों यहाँ पर एक रूल है, पहले मैं उस रूल को आपको बता दूँ कि दोस्तों ये जो मंदिर और ये चर्च, हॉस्पिटल, स्कूल और बेड, मंदिर, चर्च, हॉस्पिटल, स्कूल और बेड जिस पे हम लोग सोते हैं, आराम करते हैं, इनका अगर प्रयोग उसी सेंस में हो जिस काम के लिए बनाए गए हैं, तो कभी भी इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जिस काम के लिए बनाए गए हैं उससे पहले अगर उसी काम का प्रयोग हो रहा है सेंटेंस में, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अगर कोई और काम हो रहा है इनसे रिलेटेड, तो दा का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि चर्च है, और चर्च किस लिए बनाई गई है? प्रेयर करने के लिए, यानी प्रार्थना करने के लिए। तो वो जो है वो प्रार्थना करने के लिए जा रहा है, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे चर्च से पहले दा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि चर्च उसी काम के लिए बनाई गई है, प्रार्थना करने के काम के लिए, और जो व्यक्ति है वो भी वहाँ पर प्रार्थना करने ही जा रहा है, तो चर्च से पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। पार्ट बी में एरर है, दा हटेगा यहाँ से। क्यों हटेगा दोस्तों? क्योंकि स्कूल, चर्च, मंदिर, हॉस्पिटल और बेड, अगर इनका प्रयोग, मतलब ये जिस काम के लिए बनाए गए हैं वही काम सेंटेंस में हो रहा है, तो फिर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। और चर्च क्योंकि प्रार्थना के लिए बनाया गया है और यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है, तो इसलिए वो प्रार्थना करने जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगर वो चर्च के सामने जाता, चर्च के सामने से निकलता, या चर्च में घूमने जाता, या चर्च में जो है किसी से मिलने जाता, ठीक है, तो भी यहाँ पर हम जो है दा का प्रयोग करते, लेकिन वो चर्च में प्रार्थना करने गया है, इसलिए यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं होगा। तो पार्ट बी में एरर है। और अब चल, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और क्वेश्चन है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पार्ट ए में तो कोई एरर नहीं है, और पार्ट बी में जैसे ही आप आते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी कंपेयर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो मोस्ट शब्द का अर्थ है वो वेरी से निकल रहा है, वेरी, VERY, वेरी, इसका अर्थ दोस्तों होता है बहुत, ठीक है? तो सेंटेंस का सेंस निकल रहा है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। तो दोस्तों यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं होगा ऑप्शन बी में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर मोस्ट का अर्थ वेरी से है, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री की तरह इस मोस्ट का प्रयोग नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी से इसकी कंपेयर नहीं हो रही है, ठीक है? इस क्वेश्चन की कंपेयर किसी अन्य क्वेश्चनों से या अन्य क्वेश्चंस हैं उनसे नहीं हो रही है। तो यहाँ पर बस ये बात, ये मोस्ट शब्द ये बता रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट का जो अर्थ है वो वेरी से निकल रहा है, कोई भी कंपैरिजन यहाँ पर नहीं हो रहा है, चाहे सुपरलेटिव डिग्री हो चाहे कंपैरेटिव डिग्री हो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग होता है, आप लोग जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट है दोस्तों ये सुपरलेटिव डिग्री की भूमिका नहीं निभा रहा है, ये केवल ये बता रहा है, ये एक एडजेक्टिव की भूमिका निभा रहा है जिसका अर्थ है वेरी, क्योंकि यहाँ पर किसी से कंपेयर ही नहीं हो रहा, तो इसलिए यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं लगेगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे, अगर कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा। और अब चलते हैं आगे। अगला जो है दोस्तों वो क्वेश्चन इस तरीके से है, द मैन, और फिर जो है सेंटेंस को इन्होंने क्लोज कर दिया है, मतलब एक पार्ट में केवल द मैन दिया है ऑप्शन ए में, और उसके बाद है, इज़ द ओनली क्रिएचर दैट इज़ इंडोर्ड
विद द पावर ऑफ स्पीच। मैन दोस्तों एक ऐसी क्रिएचर है, केवल मैन, जिसके पास जो है मनुष्य जाति, जिसके पास बोलने की क्षमता है, स्पीक करने की यानी पावर है स्पीच की। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे पार्ट ए में दोस्तों द मैन का प्रयोग हो रहा है, जो कि गलत है। द मैन का प्रयोग तब होता है दोस्तों जब हम किसी जो है डेफिनेट बनाएं, लेकिन संपूर्ण मानव जाति की जब बात की जाएगी दोस्तों, संपूर्ण मानव जाति की, तो द का प्रयोग नहीं होता है, आप लोग जानते हैं। तो ऑप्शन ए में, पार्ट ए में एरर है, यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा, केवल मैन का प्रयोग होगा। मैन इज़ द ओनली क्रिएचर, इसका अर्थ हो गया संपूर्ण मानव जाति जो है एकमात्र ऐसी जो है जाति है जो बोल सकती है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों जो स्पीच कर सकती, कुत्ता जो है बोल नहीं सकता, स्पीच नहीं कर सकता। केवल एक मनुष्य जाति को ईश्वर ने ये वरदान दिया है कि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकती है और बोल कर व्यक्त कर सकती है, बात कर सकती है। तो पावर ऑफ स्पीच केवल मैन जाति के पास है, मनुष्य जाति के पास है। तो यहाँ पर जो दा का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि दा का अर्थ फिर जो है डेफिनेट बनाने से हो जाता है, इसका अर्थ हो जाता है फिर कुछ लोगों के से, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ पुअर, तो पुअर का सेंस दोस्तों संपूर्ण गरीब लोगों से है। पुअर का अर्थ हो गया दोस्तों संपूर्ण गरीब लोग, जितने भी इस पृथ्वी पर गरीब हैं सब उन सबसे। और मैं कहूँ दा पुअर, तो दा पुअर का अर्थ हो गया कुछ पुअर लोग जो है उन्हें इंडिकेट कर रहा है। तो दा पुअर जो है डेफिनेट बनाता है, फिर जो है निश्चित करता है चीज़ों को। जैसे रिचेस की बात करें, रिच पर्सन की बात करें, तो संपूर्ण जो है जितने भी अमीर लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा, और द रिचेस फिर जो है कुछ लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। तो उस तरीके से द मैन का अर्थ यहाँ पर नहीं निकलेगा, यहाँ पर संपूर्ण मानव जाति की बात हो रही है, तो फिर मैन लगेगा, यहाँ से द हटेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन है ये, ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर दैट ओरिजिनेट इन द हिमालयास। तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा दोस्तों, यहाँ से दो रूल आपके क्लियर हो रहे हैं। पहली चीज़ तो आप ये देख लीजिए, किसी भी पर्वत के नाम से पहले द का प्रयोग होता है, ऑप्शन डी में देखिए द हिमालय, और ये बिल्कुल सही है। किसी भी पर्वत की बात की जाएगी, हिमालय, अरावली और भी जितने भी पर्वत हैं उनसे पहले द का प्रयोग होगा, लेकिन उनकी चोटियों की बात की जाएगी, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हिमालय की चोटी है, तो माउंट एवरेस्ट के लिए द का प्रयोग कभी नहीं होगा, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर नदी की बात हो रही है, ब्रह्मपुत्र नदी, तो नदी से पहले द का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए में मिस्टेक है, द ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सही होगा दोस्तों, क्योंकि द गंगा होता है, द यमुना होता है, द कावेरी होता है, उसी तरीके से द ब्रह्मपुत्र होगा। और यहाँ पर ऑप्शन ए में, पार्ट ए में ब्रह्मपुत्र से पहले दा लगेगा। और दूसरा रूल जो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किसी भी पर्वत से पहले भी दा का प्रयोग होता है, जैसे कि दा हिमालयास, और पार्ट डी में जो दिया है बिल्कुल सही दिया है, दा हिमालयास है, होना चाहिए। लेकिन एक बात और भी विशेष ध्यान रखिएगा, किसी भी पर्वत चोटी से पहले दा का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। और जाते जाते दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि समुद्र से पहले भी द का प्रयोग होता है, द पैसिफिक ओशन, द इंडस ओशन, तो इस तरीके से जो समुद्र है, महासागर है, उनसे पहले भी द का प्रयोग होता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, और जो भी आपकी कन्फ्यूज़न हो, जो आपको ना समझ में आए, उसे भी आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, या फिर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा। और अगर आप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं अभी तक, तो प्लीज़ ग्रुप से ऐड हो जाइए, क्योंकि सारी पीडीएफ आपको वहीं सेंड होगी। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी लोगों का बीएसएटी की क्लासेस से जुड़ने के लिए।